हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। तो आप लोग का जिस घड़ी का इंतज़ार था तो वो घड़ी आ चुकी है। आप लोग का जो बेसब्री का इंतज़ार था वो ख़त्म हो चुका है। एनसी चंडी में हॉस्टल का अलॉटमेंट जो है किया जा चुका है। सबसे बड़ी खबर आपको मैं बता रहा हूँ, और आप एनसी चंडी की वेबसाइट पर जाकर चेक कर सकते हैं अपना नेम रोल नंबर। और ये बता दूँ आपको कि अस्थायी रूप से इसका अलॉटमेंट किया गया है, इसको चेंज भी किया जा सकता है। आप 2 सितंबर से 4 सितंबर के बीच अपने रूम में शिफ्ट हो सकते हैं। तो आप लोग एनसी चंडी कॉलेज में आइए और अपना रिसीट जो है वो प्राप्त कर लीजिए। चलिए, इस वीडियो को लाइक कीजिए, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। और चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब जरूर कीजिए, इस तरह की इन्फॉर्मेशन आपको इस चैनल पर मिलती रहेगी। चलिए, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू फॉर वॉचिंग। जय हिंद, वंदे मातरम। और हाँ, आइएगा तो क्या क्या साथ में लाना है वो आपको मैं बता दूंगा, डाउट सेशन एक लेकर। तो चलिए, बी रेडी। और क्लास जल्द ही क्लास भी स्टार्ट हो जाएगा, तो जैसे नोटिफिकेशन आता है क्लास की रिगार्डिंग आपको मैं इन्फॉर्म जरूर करूँगा। चलिए, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू फॉर वॉचिंग। बाय बाय। आपको ये इन्फॉर्म करना था कि आपको कितना फी लाना है घर से, तो आपको नोटिस में देख सकते हैं 45,000 रुपीस आपको लाना है, और इसको 2 सितंबर से 4 सितंबर के बीच में आपको जमा करना है आगे कॉलेज में। अगर नहीं करते हैं तो आपका सीट कैंसिल हो सकता है, हॉस्टल का जो सीट है वो कैंसिल हो सकता है। तो इस डेट के बीच में आप इस फी को जमा करके अपना सीट को कन्फर्म कर लीजिएगा। चलिए, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो। गाइस, जिसका भी इस लिस्ट में नाम नहीं है तो उनको चिंता करने की कोई ज़रूरत नहीं है, उनका फिर से एक लिस्ट आ सकता है, तो उसमें आप लोग का अलॉट कर दिया जाएगा। अगर गर्ल्स लोग का सभी का लगभग अलॉट किया जाएगा, और कुछ बॉयज़ का अलॉट नहीं भी किया जाएगा, तो आपको चिंता करने की ज़रूरत नहीं है। चंडी में आसपास आपको बढ़िया सा रूम मिल जाएगा, तो वहाँ पर आप शिफ्ट हो सकते हैं। चलिए, थैंक यू सो मच।